उन्नाव संदिग्ध परिस्थितियों में दो लोगों ने फांसी लगाकर दी जान और आज थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में एक युवक व एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो वहीं बुजुर्ग के शव को परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर गांव में अंतिम संस्कार कर दिया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने दोनों परिवारी जनों के घर पहुंचकर प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पहली घटना थाना क्षेत्र के पुरथियावा गांव में घटी। पुरथियावा गांव निवासी फकीरे पुत्र स्वर्गीय बच्चा उम्र 68 वर्ष काफी समय से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार रात को खाना खाने के बाद फकीरे अपने कमरे में सोने चले गए और रात में दरवाजा अंदर से बंद करके छत में पड़े छल्ले में रस्सी से फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिजन सोकर उठे तो कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर आनन फानन में फकीरे का अंतिम संस्कार कर दिया। फकीरे की मौत पर पत्नी मईका व दो बेटों का रो रो कर बुरा हाल था तो दूसरी घटना औरास थाना क्षेत्र के ही गेरुआ निवासी स्वर्गीय सुखदेव यादव का 22 वर्षीय छोटा बेटा मोरू उर्फ उमेश अविवाहित था जो किसी बात को लेकर तनाव में रहता था, जिसके चलते शनिवार की सुबह उसने गांव के बाहर अपने ही आम के बाग में रस्सी का फंदा डालकर फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सुबह खेत की तरफ जा रहे ग्रामीणों ने युवक को फांसी के फंदे पर झूलता देख परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मां सुखरानी की तहरीर पर उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मां सुखरानी की तहरीर पर उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया दी गई तहरीर में परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। बड़ा भाई राकेश व मंझिला भाई राजकरण अन्य प्रांत में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। मौत की खबर सुनकर भाई व मां सुखरानी रो रो कर बेहाल थे। क्षेत्र में हुई दो घटनाओं की सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मोहन ब्रजेश कुमार रावत ने गेरुआ व पुरथियावा गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।